सो गाइस, जैसा कि आपको पता है मैं फॉयड में हूँ और मैं एक और स्टॉल पे आया हूँ अभी यहाँ पर। थोड़ा स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, पार्टीशन के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, स्कल्पचर्स के बारे में बात करते हैं। सो मेरे साथ यहाँ पर पवन। सो पवन इज हैंडलिंग द स्टोर, तो वो बताएंगे। पवन थोड़ा बताओ ब्रीफ केसेस के बारे में और क्या क्या हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। सारा स्टेनलेस स्टील में हम लोग करते हैं। पार्टीशन स्क्रीन्स हैं, फर्नीचर्स हैं, वॉल क्लैडिंग्स हैं, व्यूज डिफरेंट पेवर्ड फिनिशिज, गोल्ड, रोज गोल्ड, ब्लैक, ब्रॉन्ज, कॉफी, शैम्पेन, उसके साथ में अब हम लोगों ने फ्यू किया स्टेन पेंट्स। अच्छा, तो इससे एल्यूमिनियम 12 mm थिक जाली, तो पहले ये स्टार्ट नहीं होता था, तो इस पर आप देखोगे इसकी फिनिशिंग भी आपको एक अलग से हम लोगों ने टेक्सचर फिनिश है, जो स्टेनलेस स्टील में आपको देखने को पहले नहीं मिलता। ऑलवेज ग्लॉस या मैट के फॉर्मेट में मैट फिनिशिंग आपको मिलते थे, उसमें हम लोग आपको अलग तरीके के हमने एंटीक फिनिशिंग हम लोगों ने स्टार्ट की है। अच्छा, आप देखेंगे तो हम स्लाइडिंग सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट किया, जो पहले एल्यूमिनियम में आपको स्लिक सेक्शन मिलते होते, वो स्लिक सेक्शन हम लोगों ने स्टेनलेस स्टील में आपको प्रोवाइड करा दिए। तो आप इसमें स्टोन और पतला कर सकते हैं इसे, या ये इतना मोटा एज पर योर स्पेसिफिकेशन एज पर योर स्पेसिफिक। तो बेयर मिनिमम कितना जा सकता है ये? 25 mm तक जा सकता है, उस पर ग्लास सस्टेन कर लेगा स्टेन और इजीली ये स्लाइड हो जाएगा। स्लाइड हो, स्लाइडिंग की जो फिटिंग यूज करेंगे वो कौन सी करेंगे सर? हम लोग जो यूज करें, हम लोग मेंशन यूज करें, बाकी जो आप रिकमेंड करेंगे उस पर आप बना के हमें दे देंगे। सो जैसे कि आप ये प्लांटर्स बना रहे हैं, तो ये सब एसएस के ऊपर ही बनाया गया है? ऑल अबाउट स्टेनलेस स्टील, और प्लांटर्स जो आपको हमारे पास है वो 8 feet की हाइट तक आपको प्लांटर्स मिल जाएंगे। एक प्लांटर में आप वो भी कॉन्सेप्ट देखेंगे, हमने वेलवेट लगा दिया, तो आपने लेदर लगाना है, जो आप लगाना चाहें हम लोग आपको अंदर हम यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स में डाल सकते हैं। ओके, तो अंदर और प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। वॉल पैनलिंग स्टेन फिनिशिज, एंटीक फिनिशिज, यू कैन यूज फॉर वॉल पैनल्स, क्लैडिंग्स, पिलर क्लैडिंग्स, वॉल क्लैडिंग्स, इसमें कलर्स हम कुछ भी बना सकते हैं, एनीथिंग और एवरीथिंग, मैट एंड ग्लॉस दोनों करा जा सकते हैं। तो जो ऐसे अभी अपने टेक्सचर्ड लुक दिखाया था बाहर, दैट कैन ऑल्सो भी डन है। तो ये ज्यादातर हमारा पार्टीशन में और मे बी स्क्रीनिंग में, वॉल पैनलिंग में यूज होता है, लिप जैम्स, डोर्स। अच्छा, डोर्स, डोर। सो अगर हम लकड़ी के डोर्स की जगह स्टेनलेस स्टील के डोर बनाना चाहें तो बन सकते हैं। तो अंदर जो बेडरूम के डोर्स हैं वो भी बन सकते हैं, और जो बाहर एक्सटीरियर के डोर्स हैं वो भी बन सकते हैं। इवन एक्सटीरियर डोर जो अभी अपना जो स्टार्ट हो गए 12 feet 14 feet की है, डबल हाइट के डोर्स भी बन गए, तो हम लोग उसको भी फिनिशिंग के साथ में क्लैडिंग कर सकते हैं। रस्टिक फिनिशिंग आप देखोगे तो वी कैन डू इट। ओके, सो दैट कैन आल्सो बी डन विद द फिनिशिंग। फेयर एनफ। तो आपने तो यहाँ पर थोड़ा फर्नीचर भी बनाया हुआ है। फर्नीचर भी हमने लगाया। मेरे ख्याल से स्टेनलेस स्टील का आपने टेबल्स एंड कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। एक्चुअली एज मेटल है, स्टेनलेस स्टील को एज किया गया कुछ टाइम के लिए, देन ये फिनिशिंग हम लोगों के सामने आए। वेरी गुड। तो जैसे आपने प्रोफाइल्स बनाए हैं, ये भी सिंगल सिंगल प्रोफाइल्स साइजेस कस्टमाइज करके बनाए जा सकते हैं? ओके, और ये जैसे हमारा ये मेटल की शीट है, सो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? यू कैन यूज फॉर पिलर क्लैड्स, प्रोफाइल्स, वॉल पैनलिंग्स, डिजाइन फिनिशिंग, पैटर्न्स, एनीथिंग कैन बी। सो नेट मैं अगर बात करूं गाइस एसएस के बारे में, तो एसएस एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है, कि जैसा कि आप देख रहे हैं, चाहे वो पार्टीशन हैं, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो टेबल्स हैं, वॉल पैनल्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, प्लांटर्स हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप बनवा सकते हो, बने बनाए ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर कस्टमाइजेशन एंड व्हाट यू वांट टू चूज। सो दिस इज हाउ एसएस इज बेस्ड ऑफ। साइनिंग इट ऑफ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।